Good morning. In previous class, we learned about speed and types of speed. Today, I will teach you velocity, its type, and difference between speed and velocity. Okay? Firstly, what is velocity? Simply, we can say that displacement per unit time is known as velocity. In other words, we can also say that distance traveled in a given direction per unit time is known as velocity. That means agar koi body particular direction mein distance travel kare time ke respect mein to kya kehlayega, velocity kehlayega. Aur simply hum keh sakte hain displacement by time is known as velocity. Iska bhi SI unit speed ke jagah hoga meter per second. Reason kya hai? क्योंकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बस ये डिफरेंस है कि डिस्टेंस का डायरेक्शन फिक्स नहीं है और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन फिक्स है और दोनों का यूनिट दोनों क्या डिस्टेंस ही मेजर करता है तो क्या होगा उसका यूनिट मीटर हो गया और टाइम का सेकंड तो SI यूनिट क्या हो गया मीटर पर सेकंड. अब डायमेंशन फार्मूला से क्या जाएगा क्योंकि डायमेंशन फार्मूला बेसिक फॉर्म लेते हैं m फॉर मास l फॉर लेंथ t फॉर टाइम तो इस फॉर्मूला में मास कहीं नहीं है तो मास का पावर क्या हो गया जीरो क्योंकि किसी भी नंबर का अगर पावर जीरो उसका वैल्यू कितना आता है वन आता है. लेंथ लेंथ क्या है मीटर मीटर का पावर क्या है यहाँ पे वन तो एल का पावर वन हो गया और सेकंड आपका नीचे में स्मॉल ऐसे ले सकते हैं मीटर और सेकंड का पावर माइनस वन क्योंकि कोई भी नंबर अगर नीचे है और उसका पावर जो भी अगर ऊपर आएगा उसमें क्या होता है माइनस साइन लग जाता है तो यहाँ पे क्या हो गया मीटर और सेकंड का पावर माइनस वन तो टाइम का क्या हो जाएगा पावर माइनस वन. क्लियर. अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ वेलोसिटी. तो जिस तरह से हम लोग देखे टाइप्स ऑफ मोशन टाइप्स ऑफ स्पीड सेम कंडीशन होगा टाइप्स ऑफ वेलोसिटी में बस वहां पे डायरेक्शन फिक्स नहीं था यहाँ पे डायरेक्शन फिक्स होगा. पहला हो जाएगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी और दूसरा नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी. तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी किसे कहेंगे अगर किसी पार्टिकुलर टाइम में या पार्टिकुलर इंटरवल टाइम में क्या हो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट जो ट्रेवल करे वो कांस्टेंट हो यानी कि कोई बॉडी कांस्टेंटली किसी पार्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करे तो जो वेलोसिटी होगा वो क्या होगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी. फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई एक बॉडी मूव कर रहा है और वो फर्स्ट सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल किया 2 मीटर फिर 1 सेकंड में ट्रेवल किया 2 मीटर और वो जा किधर रहा है ईस्ट की ओर जा रहा है यानी कि डायरेक्शन उसका फिक्स है. दैट मींस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है इन अ फिक्स डायरेक्शन तो क्या कहलाएगा वो कहलाएगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी और इसको हम लोग कांस्टेंट वेलोसिटी भी कह सकते हैं. क्या कह सकते हैं कांस्टेंट वेलोसिटी. और सेकंड है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी. तो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या हो जाएगा जस्ट इसका रिवर्स. इसमें क्या हो जाएगा अगर कोई बॉडी पार्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो टाइम के रिस्पेक्ट में उसका जो रेट ऑफ मूवमेंट है वो फिक्स नहीं हो यानी कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्प्लेसमेंट अगर ना हो तो क्या कहलाएगा वो कहलाएगा नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी. दैट इज मान लीजिए 1 सेकंड में 2 मीटर कवर किया फिर 1 सेकंड में 3 मीटर किया फिर 1 सेकंड में 1 मीटर ट्रेवल किया यानी कि और डायरेक्शन ईस्ट है या फिर मान लीजिए डायरेक्शन भी चेंज हो रहा हो तो क्या कहलाएगा वो कहलाएगा नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी. तो सिंपली आप ये जान ही रहे हैं कि कोई भी बॉडी कंटिन्यूसली यूनिफॉर्मली मूव नहीं कर सकता है तो यानी कि कह सकते हैं कि अगर कोई बॉडी किसी पार्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो हो सकता है उसका डायरेक्शन कंटिन्यूसली फिक्स हो लेकिन किसी ना किसी कारण से ड्यू टू रोड कंडीशन ड्यू टू इंटरनल प्रॉब्लम्स उसका वेलोसिटी या तो इंक्रीज करेगा या फिर डिक्रीज करेगा तो वो क्या होगा वो होगा नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी. क्लियर. अब जैसा कि अभी हम लोग देखे कि कोई भी बॉडी कंटिन्यूसली यूनिफॉर्म वेलोसिटी में मूव नहीं कर सकता है दैट मींस अगर पार्टिकुलर डायरेक्शन में अगर जा रहा है कोई बॉडी तो वो अलग अलग इंटरवल टाइम में क्या करेगा अलग अलग वेलोसिटी के साथ में मूव करेगा तो उसका हमको एवरेज निकालना पड़ेगा. तो यहाँ पे हम अगला पॉइंट क्या देखते हैं एवरेज वेलोसिटी. ये क्या हो जाएगा यू प्लस वी बाय टू जहाँ पे यू क्या है यू आपका हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी और वी हो जाएगा फाइनल वेलोसिटी यानी कि जब बॉडी मूव करना स्टार्ट किया
उस समय उसका जो वेलोसिटी था इनिशियल पॉइंट में, स्टार्टिंग पॉइंट में, वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा यूनिफॉर्म आपका, वो कहलाएगा आपका इनिशियल वेलोसिटी। और अगर बॉडी का लास्ट जो वेलोसिटी है वो क्या कहलाएगा? फाइनल वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी अगर हम एवरेज निकालेंगे तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा आपका एवरेज वेलोसिटी। क्लियर? फर्दर हम ये देखेंगे कि बेसिक जो डिफरेंसेस हैं किसके बीच में, स्पीड और वेलोसिटी के बीच में क्या बेसिक डिफरेंसेस हैं, डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। ओके, तो जैसा कि आप जान रहे हैं स्पीड का फॉर्मूला क्या है, स्पीड का फॉर्मूला है डिस्टेंस बाय टाइम, और वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। इस फॉर्मूला से आपको डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। यहां पे स्पीड का फॉर्मूला है डिस्टेंस बाय टाइम, दैट मींस स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी। स्पीड क्या है? स्केलर क्वांटिटी। और वेलोसिटी क्या है? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ये क्या है? ये है वेक्टर क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ गिवन डायरेक्शन, यानी कि ये आपका हो गया वेक्टर क्वांटिटी। तो पहला डिफरेंस ये हो गया, स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर इज अ वेक्टर, सॉरी एंड वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो पहला डिफरेंस क्या हो गया, स्पीड जो है वो स्केलर क्वांटिटी है और वेलोसिटी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। अब जैसा कि हम जानते हैं किसी भी मूविंग बॉडी का डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं होता है, चाहे टाइम इंटरवल कितना ही कम क्यों ना हो। ओके, डिस्टेंस इज नॉट जीरो ऑफ एनी मूविंग बॉडी। क्लियर? बट डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी मूविंग बॉडी में भी निगेटिव, पॉजिटिव और जीरो, यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर डिस्प्लेसमेंट किसी मूविंग बॉडी का पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है और जीरो हो सकता है, तो वेलोसिटी भी किसी मूविंग बॉडी का पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है और जीरो हो सकता है। तो दूसरा डिफरेंस क्या आ जाएगा, स्पीड ऑफ एनी मूविंग बॉडी इज ऑलवेज पॉजिटिव बट वेलोसिटी ऑफ एनी मूविंग बॉडी इज मे बी पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो। ये बेसिक दो डिफरेंसेस है स्पीड और वेलोसिटी के बीच में। क्योंकि आपको हम बता चुके हैं पहले क्लास में कि अगर कोई बॉडी एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है, जैसे कि ए से बी गया और फिर बी से ए रिटर्न आया, तो यहां पे ए से जब बी गया फिर बी से जब ए आया तो डिस्टेंस क्या आ जाएगा, ए बी प्लस बी ए, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगा, जीरो। क्यों? क्योंकि जिस पॉइंट से कोई बॉडी चलना शुरू किया फिर से उसी पॉइंट पे रिटर्न आ जाए तो उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाता है। और अगर किसी फ्रैक्शन का न्यूमरेटर जीरो हो तो होल टर्म क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। फिर आपको हम ये भी बताए थे कि अगर जिस पॉइंट से बॉडी चलना किया है, शुरू किया है, कुछ पार्टिकुलर डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद फिर से रिटर्न बैक आया, जहां से चला है उससे थोड़ा और पीछे आ जाए, उस केस में क्या हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाता है। जब डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा तो वेलोसिटी भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो आज आपको क्या बताया, पहले वेलोसिटी बताया, उसका टाइप्स बताया, उसके बाद डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। इसके बाद अगला टॉपिक जो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे वो क्या होगा, एक्सेलरेशन एंड टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। और जब एक्सेलरेशन हम लोग कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद हम लोग स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन से रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स है उसको सॉल्व करेंगे। तो आज आपको जहां तक हम बताया उसको आप रिवाइज कीजिए, और फर्दर अगर कोई प्रॉब्लम हो तो हमारे चैनल में मैसेज कीजिए। मेरे चैनल का नाम है KK जॉन ऑफ एजुकेशन या फिर KK EDU, या तो फिर आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कमेंट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8935842730। ओके, तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी वेरी मच।